ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन ने बीते दिनों अपने परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। सुनैना ने कहा था कि उनके पिता राकेश रोशन ने उनके बॉयफ्रेंड को आतंकी बता दिया था। इस दौरान उन्हें थप्पड़ भी मारा गया था। इस घटना के बाद अब सुनैना का बॉयफ्रेंड रुहैल अमीन सामने आया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए रुहैल ने रोशन परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रुहैल ने कहा, अपने धर्म और विश्वास के कारण मेरे लिए ऐसा कहना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। रुहैल ने लव जिहाद के मामले पर कहा, ये दुर्भाग्यवश है। मेरे और सुनैना के रिश्ते से राकेश रोशन और पिंकी रोशन खुश नहीं हैं। उन्हें हमारी दोस्ती से आपत्ति है। मुझे पता चला है कि सुनैना के आसपास टाइट सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये सब हमारी दोस्ती के बाद हुआ है। जब सुनैना ने मुझे इस बारे में बताया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैं बहुत हंसा था, लेकिन ये सच है। रुहैल ने बताया कि सुनैना अपनी लाइफ को सकारात्मक तरीके से एक बार फिर से शुरू करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि परिवार उनका सपोर्ट करें। रुहैल से सवाल किया गया कि जब ऋतिक रोशन ने मुस्लिम सुजैन खान से शादी की थी तो आपकी शादी को लेकर समस्या क्या है। इस पर रुहैल ने कहा, ये तो हर कोई देख सकता है। सुनैना ने कहा था कि वो एक मुस्लिम लड़के रुहैल अमीन से प्यार करती है। रुहैल एक जर्नलिस्ट हैं, जिनसे सुनैना की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। परिवार के डर के कारण उन्होंने लड़के का नंबर सेव नहीं किया था। सुनैना के मुताबिक इस रिश्ते पर उनके पिता राकेश रोशन का कहना है कि मुस्लिम लड़का एक आतंकवादी है। ऐसे में मुस्लिम होने की वजह से रोशन परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।